हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चंदौली फेटिया पर आए हैं, जो कि चंदौली हाट के बगल में बहुत काफ़ी पुराना स्कूल है, जो कि देख सकते हैं मेरे जो कि देख लीजिए कितना पुराना है। गए हैं पास होकर पढ़े हैं, आज दिखाएंगे ये स्कूल कितना काफ़ी पुराना है। अंकल जी कह रहे थे, अंकल जी बोल रहे थे इसमें हम पढ़ने आते थे, 29-30 साल काफ़ी पुराना स्कूल है। देखिए प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा घटिया ये हो चुका है, इस पर ध्यान नहीं दे रहा है सरकार। और इधर का जो भी स्कूल का था मास्टर, वो सब इसमें आना बंद कर चुका है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। और क्या स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के नाम लगाता है सरकार? दिखाओ काफी दीवार है, खिड़की टूटा है, ऐसा तो के गिर रहा है। इससे अच्छा इस स्कूल में देखिए सरकारी स्कूल का क्या हाल है, इसमें गोबर किया हुआ है, आदमी भी कचरा किया हुआ है, क्या बताए। अच्छे से दिखाओ इस पूरे घुमा घुमा के प्रेम से दिखाओ, अंदर तक दिखाओ कितने कचरा किया हुआ है। देखिए आप देख सकते कितने कचरा इसमें, सिगरेट उगरेट सब दारू वारू पी रहा है, और आदमी भी इसमें कचरा किया हुआ है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो कि और कुछ दिखाते हैं इधर घुमाइए स्थित लिखा। इधर देख सकते पीछे में काफ़ी लीची आम का पेड़ लग चुका है, जो कि पूरा देखिए पूरा स्कूल का क्या हाल हो चुका है। काफ़ी अच्छा नज़ारा के साथ आपको दिखाना चाहिए, दिखाओ कुछ अच्छे से दिखाओ। देख सकते हैं इधर बेल का पेड़ लगा हुआ है, जो कि स्कूल बंद करने के बाद ये हो चुका है। इसमें अच्छे से दिखाओ इसे, और इधर दिखाओ अंदर क्या स्थिति है इसका। हाल देख लिया वीडियो में देख सकते कैसे टूटा फूटा फूट गिर रहा है, सब ईटा ले जा रहा है आदमी इसमें से घर खा के। इधर देखिए आदमी लोग बैठा ठोकता है, आदमी लोग कचरा के सिगरेट पीता है। उधर देखिए भैंस मारा जाता है स्कूल में, जो कि ऐसा बोतल है इधर देख लीजिए, देख सकते शराबी लोग भी उसमें शराब पी के बोतल फेंक चुका है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार से उम्मीद थी ऐसा ना हो सरकारी स्कूल, इससे अच्छा तो प्राइवेट स्कूल होता है। आप लोग देख सकते हैं इधर भी दिखाओ कितना पुराना है, आप लोग जो कि अच्छे से दिखना चाहिए। आओ और अंदर आओ दिखाओ, अंदर लाओ दिखाओ जल्दी, जो कि इधर दिखाओ ऋतिक अंदर में आदमी लोग ईटा लगा के बाथरूम किया हुआ है, हमको तो बोलने में शर्म लगता है। इधर क्या कहें, देखो उधर क्या कहें, सरकारी स्कूल का यही हाल है, देख लीजिए आप अंदर दिखाओ अच्छे से। सरकारी लोग देख सकते हो उधर दारू पीता है लोग, तिवारी का पाला हुआ बोल गिरा है, कितना कचरा किए हुआ दारू पी के, जो कि इधर भी दिखाओ रही बहुत ही शर्म के साथ शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। ऐसे सरकारी स्कूल ना बनाए सरकार, जो कि ऐसा जैसे नहीं कि होना ऐसा हो, जो कि सरकारी स्कूल में इतना गंदगी नहीं होना चाहिए। ऊपर लाओ इसे, सीढ़ी पे चढ़ के दिखाते हो जल्दी। देखिए तो काफी दिनों से बंद हो चुका है ये स्कूल, ये 29-30 साल पुराना है। सरकार चलाती तो ये स्कूल चलता, फिर भी सरकार नहीं ये स्कूल को चालू कर रही है। ऊपर आके दिखाओ अच्छे से पूरा, देख सकते पूरा कितना दूरी में था स्कूल, कितना अच्छा था, जो कि सरकार चाहता तो स्कूल चल सकती थी। तो आप देखिए पूरा पूरा दिखाओ घुमा के, बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वो अपने बात पर ध्यान दे रहा है। बाथरूम का क्या हाल हो चुका है, सरकारी स्कूल का बाथरूम है,
स्कूल देख सके कितना अच्छा है और बंद हो चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार पैसा बर्बाद कर रही है, इसको पूरा ध्यान देना चाहिए। और इधर दिखाओ सरकारी हॉस्पिटल दिखाते हैं आपको, इसका भी क्या नहीं। आज रविवार है, क्या दिक्कत हो तो बताते, आज रविवार है तो बंद है हॉस्पिटल, नहीं बता पाएंगे, जो चाहेंगे वही बताएंगे, जानेंगे। इतना पुराना है, इस पे साफ ही